गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीसीएस फिजिक्स क्लासेस। पार्टिकल फिजिक्स में अपन ने फोर टाइप के इंट्रैक्शन कंप्लीट कर लिए थे, तो आज अपनी जो क्लास है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज है, यानी जो टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन है उसमें से कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके सामने आज शो की है, प्रेजेंट की है। तो आज अपन उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते थे किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो अपन जब भी पार्टिकल फिजिक्स पूरा एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब अपन 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज करेंगे, बट अभी अपन कुछ क्वेश्चन है जो अपन देखते वाले हैं। तो अपन ने फोर टाइप्स के इंट्रैक्शन पढ़े थे, तो देखो फोर टाइप्स के इंट्रैक्शन थे वो अपन ने कम्प्लीट स्टडी कर लिए थे। उसके बाद अपन ने फोर टाइप्स के इंट्रैक्शन की जो टेबल बनाई थी कंपेरेटिव स्टडी भी की थी, ताकि अपन ने क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो सके। जिसको भी वो टेबल याद है तो वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेगा। तो अपनी ये जो टेबल थी वो मैंने बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल थी, तो इस इंपॉर्टेंट टेबल को आपने याद कर लिया होगा, तो ये यदि याद है तो आपके पास आगे के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो बात करते हैं अपन किसकी, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो देखो अपने पास सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्या है सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन अपन ने लिए हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं। क्या है अपने पास, किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं, तो वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए है। तो अब ये क्वेश्चन में क्या क्या मीनिंग आता है वो अपन को देखना है कि क्या क्या होता है ये। तो अपन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है अपने पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फोर फोर्स। देखो अपने पास पता है कि इसमें फोर फोर्स तो होते ही है, ये अपन को पता ही है, इस रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द गैलेक्सी। जो भी गैलेक्सी होती है उसमें कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है, तो अपन को पता है कि देखो यदि मुझे पता है कि यहाँ पे आपके पास फोर ऑप्शन है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो किसके लिए होता है, अपने पास चार्ज के लिए होता है। क्या होता है, चार्ज के लिए होता है। जो ग्रेविटी वाला फोर्स होता है वो क्या होता है, बिग पार्टिकल यानी जिसका मास प्रेजेंट होता है उनके लिए होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो किसके लिए होता है, वो होता है अपने पास न्यूक्लियन पार्टिकल के लिए, न्यूक्लियन के लिए होता है। किसके लिए होता है, न्यूक्लियन के लिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। और जो वीक फोर्स होता है वो होता है अपने पास इलेक्ट्रॉन के लिए। तो फिर बताऊँ यहाँ पे कि गैलेक्सी के लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा, तो जो गैलेक्सी है उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फोर्स है, तो मुझे पता है कि सन अर्थ गैलेक्सी इसमें जो फोर्स एप्लीकेबल या रेस्पॉन्सिबल होगा वो क्या होगा अपने पास, ग्रेविटी। यानी इसका आंसर क्या होगा अपने पास, ग्रेविटी होगा। तो ग्रेविटी जो फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन है वो इस गैलेक्सीज के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। सेकेंड क्वेश्चन है, इन क्वांटम इलेक्ट्रोडाइनमिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर मेडिएटेड बाय। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब है अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन यानी ईएम इंट्रैक्शन। सभी को पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा है, का मतलब ईएम इंट्रैक्शन की वो बात कर रहा है। जब ईएम इंट्रैक्शन फोर्स आर मेडिएटेड बाय, तो यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो किसके लिए हो सकता है। तो देखो मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो किसके बेस पर डिफाइन किया जाता है, कुलाम बेस पे डिफाइन किया जाता है। किसके बेस पे डिफाइन किया जाता है, कुलाम फोर्स या कुलाम के बेस पे डिफाइन किया जाता है। कुलाम्स क्या बताता है, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस होती है R, तो इसके बीच का जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होता है अपने पास, F = K Q1 Q2 / R2। बट मुझे पता है कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इसका क्वांटा क्या होता है, इसका क्वांटा क्या होता है अपने पास, फोटोन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए फोर्स का नाम लेते ही या इंट्रैक्शन का नाम लेते ही, इसका क्वांटा क्या होता है, फोटोन। तो मैं कह सकता हूँ कि जो क्वांटम में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स फोर्स है वो किसके लिए मेडिएटेड होता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, देखो इलेक्ट्रॉन आता है लेप्टॉन पार्टिकल में, इलेक्ट्रॉन किस में आता है अपने पास, लेप्टॉन में, और लेप्टॉन पार्टिकल के लिए मुझे पता है कि कौन सा फोर्स वर्कआउट करता है, वीक फोर्स। तो यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल आउट। सेकेंड है अपने पास हेड्रॉन्स, तो मुझे पता है कि हेड्रॉन्स पार्टिकल के लिए जो फोर्स रहता है वो अपन ने पढ़ा है कि कौन सा रहता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन रहता है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स से डिफाइन होता है, जो क्या कहते हैं अपन, न्यूक्लियन के बीच में लगेगा। तो ये भी फोर्स हो नहीं सकता क्योंकि ये तो बात कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, तो ये भी कैंसिल।
थर्ड है अपने पास वीक इंट्रैक्शन, तो वीक इंट्रैक्शन मुझे पता है कि वो वापस वही लेप्टॉन के लिए आएगा, तो ये भी कैंसिल। फिर अपने पास है द एक्सचेंज ऑफ वर्चुअल फोटोन, तो मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो क्वांटा होता है वो क्या होता है, फोटोन होता है। मतलब कोई भी पार्टिकल यदि एक्सचेंज करता है तो वो एक्सचेंज फोटोन के बेस पे होगा। जैसे ग्रेविटेशनल में यदि कोई एक्सचेंज करता तो वो ग्रेविटॉन के बेस पे होता। यहाँ पे अपन को फोर्स का नाम लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो यहाँ पे इसका क्वांटा क्या आता है, फोटोन आता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो एक्सचेंज ऑफ वर्चुअल फोटोन है वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ठीक, फिर बात करते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इंट्रैक्शन हैज लेस रेंज देन लेस रेंज, इसके बीच में स्पेस है, लेस रेंज देन स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। ये कह रहा है कि जो मेरे पास वीक, ऐसा कौन सा इंट्रैक्शन है जिसकी जो रेंज है वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन से लेस देन है। तो मुझे पता है कि पहले तो सबकी अपन को रेंज पता होनी चाहिए। तो देखो, रेंज की यदि बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की रेंज इन्फानाइट थी, ग्रेविटेशनल की रेंज भी कितनी थी, इन्फानाइट थी। वीक की जो रेंज थी वो क्या थी, तो यहाँ पर मुझे पता है कि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन की जो रेंज होती है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन की जो रेंज होती है वो वन होती है। कितनी होती है, वन होती है। जब स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन की रेंज वन है तो अपने पास पता है कि वीक की जो रेंज थी वो वे रेंज अपन को यहाँ पे होनी चाहिए। तो जो यहाँ पे वीक की रेंज थी वही अपन को लेनी है। तो वीक की रेंज क्या थी वही अपन डिस्कस करेंगे। तो वीक की रेंज बताओ क्या थी, सभी को याद भी होगा, मैंने टेबल भी बनवाई थी। तो वीक की रेंज, अब देखो यहाँ पे ये कौन सी रेंज एज्यूम करेंगे, तो मुझे पता है कि जो वीक की जो रेंज है, तो वीक के लिए जो रेंज होती है अपने पास वो क्या थी, अपने पास 10^-18 मीटर। तो मुझे पता है कि स्ट्रॉन्ग, सॉरी ये मैंने क्या बता दिया, स्ट्रॉन्ग जो, देखो विच इंट्रैक्शन हैज लेस रेंज देन स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, यदि मैं स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन की बात करता हूँ तो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन की जो रेंज होती है, तो इसकी मैं रेंज की बात करता हूँ तो रेंज तो कितनी होती है, 1 फर्मी होती है या 10^-15 मीटर होती है। कितनी होती है, -15 मीटर। यदि मैं EM की बात करता हूँ तो उसके लिए कितनी होती है, इन्फानाइट। ग्रेविटेशनल की बात करता हूँ तो इन्फानाइट, और वीक की बात करता हूँ तो 10^-18 मीटर। कितनी होती है, 10^-18 मीटर। तो ये इस चारों फोर्स की रेंज है। अब ये कह रहा है कि जो लेस रेंज है, ऐसा कौन सा इंट्रैक्शन है जिसकी रेंज स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन से लेस है। अब मुझे पता है कि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन की कितनी होती है अपने पास, 10^-15 मीटर। तो ये क्या है, 10^-18 मीटर, मतलब बड़ा कौन सा है इसमें। एक तो अपन बात कर रहे हैं 10^-18 मीटर की, एक बात कर रहे हैं 10^-15 मीटर की। तो स्ट्रॉन्ग से लेस देन मतलब इससे लेस देन होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि इससे लेस देन का मतलब इससे छोटी होगी। तो इससे छोटी कौन सी होगी, 10^-18, क्योंकि बाकी तो दो क्या है, इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट तो कहाँ आएगा, अलग ही आएगा, तो वो लेस देन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे क्वेश्चन देखो उस टेबल से ही हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास कि विच वन इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, ऐसा कौन सा फोर्स, इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन का एग्जांपल नहीं है। जैसे मुझे पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से वो किससे डिफाइन होता है, कूलाम फोर्स से डिफाइन होता है। किससे डिफाइन होता है, कूलाम फोर्स से डिफाइन होता है। और कूलाम फोर्स क्या होता है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल है कूलाम फोर्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन है वो कूलाम फोर्स से ही डिफाइन होता है, मतलब ये तो सही है। फ्री फॉलिंग बॉडी ऑन अर्थ, यदि कोई फ्रीली कोई बॉडी है वो ऊपर से अर्थ पर आ रही है नीचे, फ्रीली, फ्री फॉलिंग का मतलब है उस पर कोई भी फोर्स वर्कआउट नहीं कर रहा, उसका जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब कोई बॉडी नीचे आ रही है अर्थ पर, तो वो हो सकता है कि इसमें पूछा है विच वन इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं किसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे कूलाम फोर्स में तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी होगा। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, यहाँ पे कोई मेटल की प्लेट होती है, यहाँ पे मैं कोई लाइट क्या करवाता हूँ, कोई रे इंसिडेंट करवाता हूँ। जब मैं ये रे कोई फोटोन के बेस पे कोई रे होती है वो उसको या फोटोन को इंसिडेंट करवाता हूँ, तो यहाँ से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, जिसे अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन का रोल है, और मुझे पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन का जो क्वांटा होता है वो क्या होता है, फोटोन होता है। वो क्वांटा क्या होता है अपने पास, फोटोन होता है। जब इसका क्वांटा फोटोन होता है तो ये तो फोटोन का एग्जांपल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका मतलब ये तो इसका होगा। क्रॉम्पटन इफेक्ट का मतलब है मेरे पास कोई अलग अलग सेल है, अलग अलग सेल है, तो इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन है वो एक से दूसरी सेल में जाता है, तो यहाँ भी फोटोन को इमिट करके जाएगा या एब्जॉर्ब करके जाएगा, तो इसमें भी फोटोन का रोल होगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर
बी होगा, वो क्या होगा, अपने पास फ्री फॉलिंग बॉडी ऑन अर्थ। यदि कोई भी बॉडी ऊपर से फ्री फॉलिंग गिरती हुई नीचे आ रही है तो उसमें कोई फोटोन का रोल नहीं होगा, फोटोन का रोल नहीं होगा तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन का रोल नहीं होगा, इसलिए ये आंसर होगा। फिर अपने पास स्पिन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पिन ऑफ ग्रेविटॉन इज, ग्रेविटॉन की स्पिन क्या होती है। तो मैंने देखा था कि जो ग्रेविटेशनल होता है उसकी ग्रेविटॉन की स्पिन कितनी होती है, 2 होती है, फोटोन की स्पिन 1 होती है, ग्लूऑन की स्पिन भी क्या होती है अपने पास 1 होती है, और जो गैस बोजॉन है उसकी भी स्पिन क्या होती है अपने पास 1 होती है। तो जो एक ही एक ऐसा पार्टिकल था जिसकी स्पिन कितनी होती है, 2 होती है, तो ग्रेविटॉन की जो स्पिन होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, तो इसका आंसर क्या होगा अपने पास बी। फिर अपने पास मैच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रैक्शन नेम और रेंज, अपने पास दो चीज़ें दे रखी है, एक साइड में तो इंट्रैक्शन नाम दे रखा है और एक साइड में क्या दे रखी है, रेंज दे रखी है। मतलब ये आपको सारी रेंज याद होगी तो ही आप इसको मैच द फॉलोइंग के करेक्ट के बेस पे कर सकते हो। तो देखो इसमें क्या क्या आएगा, तो अपन देखते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा। तो अपन को सारी रेंज याद होनी चाहिए। मुझे पता है कि ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन की जो रेंज होती है वो इन्फानाइट होती है। अब मैं इसमें देखो दो इन्फानाइट है तो कोई भी एक इन्फानाइट से आप इसको मैच कर सकते हो। तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाला मैच हो जाएगा कि ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन की जो रेंज है वो इन्फानाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन की जो रेंज है वो भी क्या है, इन्फानाइट है। तो ये वाला आंसर किससे मैच हो जाएगा, इससे मैच हो जाएगा, ये भी कितनी होगी, इन्फानाइट। यदि मैं स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन की बात करता हूँ तो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन की बात करूँगा तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इसकी रेंज क्या होगी। तो मुझे पता है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन की जो रेंज होती है वो 10^-15 मीटर या होती है 1 फर्मी। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। और जो अपने पास वीक इंट्रैक्शन बचा तो वीक इंट्रैक्शन की क्या होती है, 10^-18। तो कोई भी आपको 2 या 3 रेंज पता है। अब देखो यहाँ पे ये जो मैंने मैथ द फॉलोइंग किया है, मैथ द फॉलोइंग का मतलब है कि इसमें मेरे पास कितने थे, 4 ऑप्शन थे, मतलब ये 4 क्वेश्चन थे, ये सारे 4 के 4 क्वेश्चन आपके पी वाई क्यू में आ रखे हैं। बट मैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको अलग अलग कराता हूँ, उससे बेटर है कि मैंने एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको कवर कर दिए कि सबकी रेंज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप इस तरीके से रेंज, क्योंकि धीरे धीरे आज के टाइम में क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है। प्रॉपर एक अपन एक चीज़ पता हो उससे आंसर नहीं मैच कर सकते, तो अपन को 2 या 3 चीज़ें मैच करने के लिए पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि मैच द फॉलोइंग इंट्रैक्शन नेम एंड स्टैंड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर यदि 7 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा इस अपने पास कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग इंट्रैक्शन नेम एंड स्ट्रेंथ। एक साइड में इंट्रैक्शन नेम दे रखे, दूसरी साइड में उसकी स्ट्रेंथ दे रखी है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन। तो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, जब ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन होगा अपने पास कि इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है। तो ग्रेविटेशनल की स्ट्रेंथ क्या होती है, 10^-38 होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन है तो मुझे पता है कि स्ट्रॉन्ग की इंट्रैक्शन होगी जो वो क्या होगी, 1 होगी। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्ट्रेंथ है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी आपके पास, 10^-2 हो जाएगी। और जो वीक इंट्रैक्शन की थी वो कितनी थी, 10^-9 थी। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ दे रखी है, क्या दे रखी है, स्ट्रेंथ, बट ये कौन से बेस की स्ट्रेंथ है वो मुझे नहीं पता। तो ये मुझे नहीं पता तो इसलिए मैंने कर दिया कि ये जो मैंने स्ट्रेंथ लिखी है वो किस कौन से बेस की, यदि मेंशन नहीं है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बेस की स्ट्रेंथ है। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बेस की स्ट्रेंथ है तो वो क्या होगी, ये होगी। तो ये था अपना क्या, 7 क्वेश्चन। तो अपन क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, इंट्रैक्शन नेम एंड क्या था अपने पास, स्ट्रेंथ। तो मुझे पता है कि जो ग्रेविटेशनल की इंट्रैक्शन जो रेंज होती है, अब यहाँ पे देखो कोई भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ये जो स्ट्रेंथ है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बेस है या क्वार्क बेस है। तो अपन को यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब क्या लेना अपन को, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बेस लेना है। क्या लेना अपन को, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बेस की जो स्ट्रेंथ थी वो लेनी है। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, जो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल की जो स्ट्रेंथ ली है वो अपन ने 10^-38 ली है, तो इसके लिए ये मैच हो जाएगा। सेकंड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन है, तो मुझे पता है कि वैसे स्ट्रॉन्ग की इंट्रैक्शन क्या होती है, 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की इंट्रैक्शन होती है वो क्या होती है अपने पास, 10^-9 होती है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की होती है वो 10^-2 होती है। और जो वीक की होती है वो क्या होती है अपने पास, 10^-9 होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि देखो ग्रेविटेशनल की जो स्ट्रेंथ है 10^-38 है, कितना है, 10^-38। ये है अपने पास 10^-9 जो वीक के लिए होती है, ये वीक के लिए है, ये ग्रेविटेशनल के लिए है।
10 की पावर माइनस 2 है वो ईएम के लिए है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए, और जो 1 है वो किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। तो इस टाइप से इसमें भी अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन को कवर किया है, ये भी चारों गेन किया स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, मैच द फॉलोइंग इंट्रैक्शन नेम एंड क्वांटा, यानी कोई भी इंट्रैक्शन का नेम दे रखा है और क्वांटा दे रखा है। तो देखो एमएससी लेवल पे या और भी उससे ऊपर के लेवल के जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम लगते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी तो अपन ने केवल एक टॉपिक के ही क्वेश्चन कवर किए हैं जो पीवाईक्यू में आ रखे हैं, जैसे टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन अपन ने कम्प्लीट पढ़ लिया था, डिस्कस कर लिया था, तो उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन इसमें लिए। तो ये क्या हो जाएगा, मैच द फॉलोइंग इंट्रैक्शन नेम एंड क्वांटा, तो जो भी इंट्रैक्शन है उसका क्वांटा बताना है। तो मुझे पता है कि ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन का क्वांटा होता है वो क्या होता है, ग्रेविटॉन होता है। क्या होता है, ग्रेविटॉन। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि जो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन है उसका क्वांटा होगा वो क्या होगा, ग्रेविटॉन होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन है उसका क्वांटा होगा वो क्या होगा, फोटोन होगा। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन का जो क्वांटा होगा वो क्या होगा, अपने पास ग्लूऑन होगा। और जो अपने पास वीक इंट्रैक्शन है, वीक इंट्रैक्शन का जो क्वांटा होगा वो क्या होगा, गेज बोसॉन होगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये भी फोर क्वेश्चन कवर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ स्पिन इज वन, देखो स्पिन वन किसकी है। अब मुझे पता है कि जो ग्रेविटॉन था उस ग्रेविटॉन की स्पिन कितनी थी, टू थी, उसकी स्पिन तो कितनी थी, टू। उसके बाद जो फोटोन था, फोटोन, ग्लूऑन और गेज बोसॉन, और क्या था अपने पास, गेज बोसॉन, इन सब की स्पिन क्या थी, वन थी। अब देखो इसमें कौन सा आंसर ऐसा मैच करेगा, ये कह रहा है कि विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट यानी किसकी स्पिन वन है। तो देखो ग्रेविटॉन की स्पिन तो कितनी है, टू है, फोटोन की वन है, मतलब यहाँ पे दोनों की स्पिन वन होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो नहीं हो सकता। सेकेंड बोला है कि ग्लूऑन और गेज बोसॉन, ये हो सकता है क्या, तो देखो जिसमें ग्रेविटॉन होगा, पहले जिसमें ग्रेविटॉन होगा वो तो नहीं होगा क्योंकि ग्रेविटॉन की स्पिन टू है। तो देखो ग्रेविटॉन इसमें भी है, ग्रेविटॉन इसमें भी है, मतलब फर्स्ट वाला पार्टिकल क्या है, ग्लूऑन और गेज बोसॉन। तो देखो ग्लूऑन और गेज बोसॉन दोनों की स्पिन क्या होती है, वन होती है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट है अपने पास, विच ऑफ द क्वांटा इज मास नॉट इज जीरो, मुझे इसकी यदि मास की बात करता हूँ, जो भी अपन ने क्वांटा लिया था इसके मास भी अपन ने देखे थे, तो मास में देखा था कि जो ग्रेविटॉन है, ग्रेविटॉन का जो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन का जो क्वांटा था ग्रेविटॉन था, और ग्रेविटॉन का जो मास लिया था वो क्या लिया था अपन ने, जीरो लिया था। क्या लिया था, जीरो लिया था। जो फोटोन का भी मास लिया था वो भी क्या लिया था अपन ने, जीरो लिया था। जो ग्लूऑन का मास लिया था वो भी जीरो लिया था। बट जो ये गेज बोसॉन था इसका मास अपन ने कुछ लिया था, W का मैंने मास लिया था 80 के समथिंग, GeV के समथिंग, और एक का जो Z वाले का मास था वो था 91 GeV के समथिंग। तो ये तो था W का और ये था 91 GeV किसका था, Z का। अब ये क्या पूछ रहा है कि विच इज ऑफ द क्वांटा इज मास नॉट इज जीरो, मास किसका जीरो नहीं है। तो मुझे पता है कि इसका मास, इसका मास, इसका मास तो जीरो होता है, तो किसका जीरो नहीं है अपने पास, गेज बोसॉन का, इसका तो जीरो होता ही है। तो ये तो अपन नहीं कह सकते, इसका भी जीरो होता है, ये भी नहीं कह सकते, ग्लूऑन का भी जीरो होता है, तो ये भी, तो आंसर क्या होगा, डी। तो इस टाइप से अपन को ये क्वेश्चन सीरीज अपन ने की है, 10 क्वेश्चन को अपन ने देखा है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो अभी तो आपको आपका जो फर्स्ट टॉपिक था टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, उसके मैंने छोटे छोटे 10-15 मिनट के वीडियो बनाए हैं, तो आप इजीली उसको देख सकते हो, और उसमें जो वीडियो की क्वालिटी है वो भी आप आराम से इजीली आपको मिल जाएगी। जैसे अब कल से अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल करेंगे। अभी तो अपन ने यही किया है कि इसमें क्लासिफिकेशन कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तो जो पार्टिकल फिजिक्स में इंट्रैक्शन थे उस इंट्रैक्शन को कंप्लीट किया है, फोर टाइप के इंट्रैक्शन थे उसको कंप्लीट किया है, उसकी कंपेरेटिव स्टडी करके एक टेबल बनाई थी वो कंप्लीट की है, और उसके कुछ आए हुए पिछले साल प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट किए। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।